हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 17 मार्च 2020। आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी। स्टेट में हम गुजरात को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। कुछ करने के लिए पहले ये सोचें कि आप ये कर सकते हैं। कोई भी कार्य आप करने वाले हैं तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मविश्वास ये जागना चाहिए, होना भी चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही डिसअपॉइंट हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा तो वो होते हुए भी वाकई में नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने विश्वास के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे। ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं पहली न्यूज, विश्व सिख पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च 2020 को मनाया गया, अभियान का विषय किस पर आधारित है? तो वो है सस्टेनेबल कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन पर नया GST दर क्या है? तो वो है 18% और इसे 12% से बढ़ा दिया गया। पहले 12% हुआ करता था और ये 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय में पहला अंत विषय पर्यावरण अध्ययन स्कूल कौन सा है? तो वो है जिंदल स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान पत्तन परिषद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट अवार्ड्स में वर्ष 2019 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट बॉय साइज एंड रीजन किसे दिया गया है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन को दिया गया है जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में दूसरा ACI ग्राहक अनुभव वैश्विक शिखर परिषद कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो क्राको पोलैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जो UNEP के साथ विशेष साझेदारी में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख द्वारा शुरू किए गए आई लीव पीपली आंदोलन को अगुवाई कर रहा है? तो वो है सोनम बांगचुंग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा पर पत्रकारिता के लिए सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ द्वारा दिए गए पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं? तो वो हैं प्राची सालवे और प्रदीप द्विवेदी जी। अगर सड़क सुरक्षा की बात आएगी, अगर सड़क सुरक्षा के अम्बेसडर पूछ लिए जाएँ तो अक्षय कुमार जी हैं। सड़क सुरक्षा के अगर मिनिस्टर पूछ लिए जाएँ तो वो हैं नितिन गडकरी जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वो है नागपुर, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कट में ओमान ओपन 2020 में U21 मतलब अंडर 21 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो वो है जीत चंद्र। मस्कट की जो कैपिटल होती है वो होती है ओमान की जो कैपिटल होती है वो होती है मस्कट और रियल होती है यहाँ की करेंसी। ओके, अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है तो उनकी सामान्य ज्ञान देखते हैं। विमान पत्तन परिषद अंतर्राष्ट्रीय की जो स्थापना है वो कब हुई? तो बस 1921 में जो है स्थापना हुई थी ACI की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर या उपभोग कर वस्तु सेवा कर जिसे कहते हैं वस्तु सेवा कर। अब GST के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको GST की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। GST 5 अलग अलग वर्ग हैं, 1 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। GST सेवा कर की अगुवाई मतलब ये प्रारंभ हुआ 1 जुलाई 2017 को। ओके, अब देखते हैं डिटेल न्यूज़ क्या क्या रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज़ करते हैं वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको खबरी ऐप इंस्टॉल करना है अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो वहाँ पर आप तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ फॉलो भी कीजिए और ऑडियो रिविज़न कीजिए। उससे क्या होगा, आप यहाँ वीडियो देखेंगे वहाँ से ऑडियो रिविज़न करेंगे, 4 से 5 मिनट का ऑडियो होता है, उसे रिवाइज़ करेंगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ओके,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनावरण सीमा क्या रही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकल उधारकर्ता और समूह जोखिम सीमा को क्रमशः 15% और टीयर वन कैपिटल के 25% तक घटा दिया है। यह बड़े ऋणों से उत्पन्न होने वाले एकाग्रता जोखिम को कम करने के लिए किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस परीक्षण दर दुनिया में सबसे कम है। कोरोना का COVID-19 तनाव हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक महामारी घोषित किया गया है। ओके, एक महामारी तो से घोषित कर दिया गया है। भारत द्वारा अधिसूचित आपदा विश्व स्तर पर बड़े मामलों की संख्या के साथ धीमे होने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। उच्चतर परीक्षण मामले में हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ताइवान के कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद की है। ओके, तो भारत में जो परीक्षण दर है वो सबसे कम है। स्पेशल नॉलेज में देख लेते हैं, आज हम IMF को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब ये वर्क क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लघु रूप में IMF कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का वर्क करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। इसका मुख्यालय Washington DC संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबंध निदेशक जो हैं डोमिनिक स्ट्रॉस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए मुख्यालय कहाँ है IMF का, तो Washington DC संयुक्त राज्य में है। अगर पूछ लिया जाए स्थापना कब हुई, तो July 1944 में। प्रबंध निदेशक है क्रिस्टिना लिगार्ड, जो कि जर्मनी की। जर्मनी की बात हुई तो इसकी कैपिटल होती है बर्लिन और वहाँ की करेंसी होती है यूरो। ओके, अब बात करेंगे स्टैटिक GK की। तो स्टैटिक GK से अब आज हम GST के बारे में बताएंगे। GST क्या है, क्या क्या क्वेश्चन इससे फॉर्म हो सकते हैं। GST की फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ये टैक्स तब लगता है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। इस तरह से GST हमारे ऊपर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 में इस टैक्स को लागू किया गया था। इससे पहले सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई टैक्स लिए जाते थे। फिर क्या हुआ, GST क्या एक टैक्स हो गया जिससे तमाम तरह के टैक्स लिए जाते थे उन्हें शामिल कर लिया। GST तीन तरह के होते हैं, CGST, SGST, IGST। CGST क्या होते हैं, इससे केंद्र सरकार राजस्व एकत्र करती है। SGST राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र कर लेती है। IGST अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार और राजस्व एकत्र किया जाता है। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, GST क्या क्या है। GST कितने प्रकार की होती है, GST होती है तीन प्रकार की, SGST, CGST, IGST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु सेवा कर GST जो है कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। GST परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो थी 33। GST चोरी कितने वर्ष के लिए GST की चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है, तो 5 वर्ष तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST बिल को राज्यसभा तथा लोकसभा में पारित कब किया गया, तो 18 अगस्त को लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित किया गया था। GST किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। राज्य को GST से होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक केंद्र 100% भरपाई करता है, तो 5 वर्षों तक भरपाई करता है। GST लागू होने के बाद GDP में कितने % वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, 2%। GST में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिमार्ग की संख्या क्रमशः कितनी है, तो 17 अप्रत्यक्ष कर है तथा 23 अधिमार कर हैं। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, तो 8 सितंबर 2016 को GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी। GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है असम। GST पंजीकरण की संख्या में कुल डिजिट कितनी है, तो वो है 15। भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, विजय केलकर समिति ने। वे प्रमुख वस्तुएँ तथा सेवाएँ जो GST के दायरे से बाहर हैं, तो वो कौन कौन सी है, तो शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो है GST के दायरे से बाहर है। 8% दर वाली वस्तुओं का कुल % कितना है, तो वो है 19%। ओके, भारत का एकमात्र राज्य जहां GST लागू नहीं, ये तब तक था जब तक ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था।
तो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वहाँ पर भी GST लागू है। ओके, GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था। 1954 में इसने फ्रांस में लागू कर दिया। तो सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे असीम दास गुप्ता जी। वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया तो वो है 122वां संशोधन है और 101वां भाग है। ओके, GST की दरें कितनी है? तो वो 5 है, 0, 5%, 12%, 18%, 28%। जो 12% में मोबाइल आता था अब 18% में रख दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन किया गया। भारत का GST जिस देश के मॉडल पर आधारित है वो कौन सा देश है? तो वो है कैनेडा। वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को GST पंजीकरण का भुगतान करना होगा तो वो है 20 लाख और विशेष राज्यों में 10 लाख। अब विशेष राज्य तो कोई है नहीं क्योंकि सारे एक जैसे राज्य हैं, तो जो विशेष भुगतान करने की सीमा है वो 20 लाख है। अब स्टेट में देखते थे, आज गुजरात को हम डिस्कस करेंगे। तो गुजरात की गुर्जर धनत्रा, ये त्रा का मतलब होता है भूमि, तो गुर्जरात्र जो है इसका नाम हुआ करता था, जिसके अपभ्रंश के कारण इसे हम कहने लगे गुजरात। अपभ्रंश हुआ तो गुजरात कहने लगे, पहले गुर्जरात्र इसका नाम हुआ करता था। राजधानी गांधीनगर है, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जिले 33 हैं, राजभाषा यहाँ की गुजराती है। गठन अगर पूछ लिया जाए गुजरात का तो 1 मई 1960 है। सीमाएं अगर पूछ लिया जाए तो पूर्व में मध्य प्रदेश से जुड़ती हैं, दक्षिण में महाराष्ट्र से, उत्तर में पाकिस्तान से, पश्चिम में अरब सागर से सीमाएँ मिलती हैं। राज्यपाल वर्तमान आचार्य देवव्रत जी हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 182 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं, लोकसभा की सीट जो है 26 है। उच्च न्यायालय गुजरात न्यायाधीश के विक्रमनाथ जी हैं। प्रमुख उत्पादन गुजरात की कपास और मूंगफली है। नर्मदा नदी को गुजरात की तटरेखा या जीवन रेखा कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। भुज नामक भूकंप 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया हुआ था। केंद्रीय नमक और समुद्री अनुसंधान संस्थान जो है भावनगर में स्थित है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कांडला है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। लोथल बंदरगाह भी गुजरात में है। अमूल मिल्क गुजरात में अवस्थित है, जिसका फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी, तो वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में ही, और एशियाटिक शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये आपके लिए गुजरात से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब सेंसिस की बात हो रही है, तो सेंसिस 2011 की हुई है, अब 2021 में होगी। ओके, तो अब सेंसिस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो देख लेते क्या है। जनगणना से क्वेश्चन देख लेते। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो W. प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R. A. गोपाला स्वामी, जो कि 1989-53 तक रहे थे। वर्तमान जो जनगणना आयुक्त है वे कौन है? तो वो हैं शैलेश। प्रथम बार जाति आधारित जनगणना किस सन में हुई थी? तो 1931 में हुई थी। और इस बार जो जनगणना होगी वो पेपरलेस जनगणना होगी, ये बहुत अच्छे से याद रखना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग है? तो 17.5% जो है भारत में निवास करता है। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7% जो है भारत की दशकीय वृद्धि दर है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 73%। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ओके, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष पर हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक GK GS के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। एंड आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो करें, शेयर चैट डेलीमोशन एंड ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खबरी ऐप पर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके वहाँ से तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको सब फॉलो करके वहाँ ऑडियो रिवीजन करना ही करना है। नेक्स्ट, आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी क्लासेस की PDF प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, एंड स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए
अपना अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और मन में निराशावादी न होकर आशावादी रहिए और हमेशा जुनून रखिए कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।